क्वेश्चन वन देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 का ट्रिग्नोमेट्री का, और करेंगे कैसे, क्वेश्चन को करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए ये समझेंगे पहले, ठीक है। हमें क्या दिया है, कोसाइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। यहां देखो हमें नीचे अपॉन में क्या चाहिए, कोस थीटा। हमें पता है कोस थीटा कब आता है, कोस थीटा आता है जब क्या हो हमारा, एक मिनट, हमें अपॉन में क्या लाना है, कोस थीटा। नीचे क्या लाना है, कोस थीटा। कोस थीटा अपॉन में कब आएगा, या तो हमारा क्या हो sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है, यहां से आता है, या दूसरा क्या होता है हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, या ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक समझ में आया, यानी हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि भाई नीचे हमें क्या लाना है, कोस लाना है। तो कोस दो तरीके से आता है, इन दो तरीके से, ठीक है। अब इसी में से हमें कुछ सोचना है, ठीक है। अब यहां से क्या सोचे सर, समझ में तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहां पे हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्या करें, तो ठीक है हमें क्या लाना है, कोस, ठीक है। तो इस कोसेक को, कोसेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस, हमें पता है कोट थीटा में भी नीचे अपॉन में साइन होता है, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, तो देखो 1 माइनस कोस थीटा ऊपर वाला हमें लिया, नीचे क्या आ रहा है साइन थीटा। अब हमें क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन इस पूरे को थीटा का, ऐसे लिख लो का। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, बहुत अच्छा समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको फर्दर मैं ये लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आई भाई, मैंने ये स्क्वायर इन दोनों को दे दिया अलग अलग, ऐसा क्यों किया अभी बताता हूं। अब ध्यान रखना कि जब भी यहां पर स्क्वायर हो बाहर में, तो ये स्क्वायर अंदर आ जाता है, तो इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब देखो इसका स्क्वायर नहीं खोलेंगे, कई बच्चे ये गलती करते हैं, इसका स्क्वायर खोल दोगे आप बोलोगे कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। भाई माइनस टू ए बी करोगे तो क्या आएगा, जब मान लो सपोज करो इसको मैंने स्क्वायर खोल दिया, क्या स्क्वायर खोल दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये होता है ए की जगह कितना आ रहा है 1, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो मतलब यहां पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आंसर में देखो ध्यान से, हमें कहीं पे भी माइनस 2 कोस थीटा नहीं चाहिए, मतलब ये चीज को कैसे हटाएंगे, अगर ये रख रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसका हमें इसको इसके स्क्वायर को हम नहीं खोलेंगे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था यहां पे इसको आइडेंटिटी से, आंसर में देखो नीचे हमें कोस चाहिए, साइन नहीं चाहिए, तो साइन बनाना है, और साइन स्क्वायर में किसके साथ आता है, कोस के साथ। तो मेरे को पता है कि भाई आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत यहां पर, इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहां पुट कर सकता हूं। यहां पे मैंने इस 1 के ऊपर ये कर दिया, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा सर, क्यों किया ऐसा, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पर लग रहा है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पे लिख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस फार्मूले से इसको मैं ये लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा एक ब्रैकेट में, और यहां पे क्या जाएगा 1 प्लस कोस थीटा एक ब्रैकेट में। यहां तक क्लियर है अच्छे से। अब इस साइन, और ये किसके बराबर चल रहा था, साइन स्क्वायर थीटा के, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूं यहां पर आराम से, समझ में आया ये चीज, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। तो ये मिटा रहा हूं मैं, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इस पूरे की जगह मेरा तो ये रहा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, और यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। ये चीज समझ में आई, अब देखो इस पूरे से इससे ये स्क्वायर कट रहा है, समझ में आ गया भाई, कट जाएगा ना, दो बार है, इसको ऐसे ना लिख के या फिर ऐसे लिख लो 1 माइनस कोस थीटा एक ही बात है, अब काट दो
ऐसे कर दो भाई, एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर को मैं एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूं, वही चीज मैंने यहां पे करी, इसको दो बार खोल के लिख दिया, ये समझ में आ गया। अब देखो क्या बच रहा है, वन माइनस कोस थीटा और अपोन में वन प्लस कोस थीटा, यही हमें प्रूफ करना था। आ गया हमारा आंसर। देखो क्वेश्चन देखने में लेंथी है, टिपिकल लग रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कैसे बहुत अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। अच्छे से देखो वीडियो को, एक एक स्टेप लिखो अपनी कॉपी में, स्टेप लिखोगे तो एग्जाम के समय में आपको याद रहेगा कि भाई इस स्टेप के बाद इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे सोचा और ऐसे करना है। नहीं लिखोगे तो एग्जाम तक याद नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छे से नोट डाउन करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन कर देना, और अपने दोस्तों को भी बताना, ठीक है। आप ही के लिए बनाई जा रही है, अच्छे से देखो समझो, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ आपको सोचना पड़ता है इसमें कि मैं कैसे स्टेप लूं, ठीक है। नोट डाउन करो अच्छे से।